हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के मॉक टेस्ट की। ये मॉक टेस्ट का पार्ट 4 होगा। इसमें मैं आपके सामने आज 25 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ये वो सब क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कम से कम 8 से 10 बार तो पूछे गए हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। ठीक है दोस्तों, आप एक काम करिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। अपने आप को राइट आंसर के लिए 1 नंबर देना है और रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग करनी है। ठीक है, फाइनली आपका जो भी स्कोर बनता है उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे प्लीज भेजना मत भूलिएगा। मैं उस पर अपना फीडबैक दूंगा। और ऐसा करने से देखो क्या प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई प्रॉफिट क्या है इसमें। सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मॉक टेस्ट के माध्यम से आपके जो रूल्स होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। अगर रूल्स आपको नहीं पता होते तो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको नए रूल पता चल जाते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट आप चाहे यहाँ पे वीडियो को देखते हुए दीजिए या फिर ऑफलाइन कोई बुक परचेज कर लीजिए वहाँ से दीजिए, या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें भी नंबर अपने आपको चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन कितना वीक है। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सीए वाले हैं या आप एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर फील्ड में है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग पीओ हो, तो मैं मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम वीक में एक बार देना ही देना चाहिए। अगर एग्जाम नियर है, एग्जाम में अगर 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो रेगुलर कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भेजना मुझको। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना वीडियो के एंड में, आप डिसाइड करना कि आपके लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ओनली जो केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट प्लीज़ जरूर करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, पार्ट 1 में बोलेगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग हमको छांटनी है, सही जो वर्ड है वो हमको इसमें से चूज करना है। देखिए अगर ए बी सी डी अगर हम पढ़ें, अगर उसको पढ़ेंगे तो ये जो है ये है लेफ्टिनेंट। कितनी अजीब बात है दोस्तों, लेफ्टिनेंट में हम लोग एफ लगाते हैं बोलते समय, लेकिन स्पेलिंग में एफ कहीं नहीं होता। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट ये बोलते हैं ना हम लोग, तो ये वो वाला लेफ्टिनेंट है, आर्मी वाला लेफ्टिनेंट है। ठीक है, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, आपको मैंने मॉक टेस्ट 3 में कहा था कि कुछ वर्ड काफी गिने चुने वर्ड होते हैं जिनको वो मैक्सिमम बार पूछता है, जैसे आपका बुके, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिगरेट। अगर आपने वो मॉक टेस्ट देखा होगा तो उन सबकी मैंने स्पेलिंग आपको कहा था कि आप डिक्शनरी से चेक करना और उनको याद करना। ठीक है, तो ये वर्ड काफी स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार, तो उनको याद करने में हर्ज क्या है। देखिए चलो बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ए, लेफ्टिनेंट। ठीक है, एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी, लेफ्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस पे अपने वीडियो को पॉज करना, खुद अटेंड करना, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना कि आप कितना सही देते हैं आंसर और कितना रॉन्ग, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये है। ठीक है, अब इस पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रुकिए, आंसर चूज करिए और अपना राइट आंसर निकालिए। देखिए ये जो है ये एक्चुअली है कर्नल। ठीक है, इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी सी ओ एल ओ एन ई एल। ठीक है, और राइट जो आंसर है वो है ए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूखे। भूखे की राइट स्पेलिंग क्या होती है? राइट स्पेलिंग हमको छाटनी है इसमें। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? भूखे का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। भूखे हमको सबको पता कि हाँ यार उसका जन्मदिन था, हमको भूखे लेके आ रहे हैं, चल शॉपिंग करने चलते हैं। भूखे 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 हम कहते तो हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है हमसे भी अगर पूछने बैठे तो शायद हम कंफ्यूज हो जाए। जैसे लेफ्ट हैंड पे अगर हमसे कोई पूछता तो हम एफ से जरूर लगाते हैं उसमें स्पेलिंग बोलते समय, बट लेफ्ट हैंड में एफ नहीं होता है। तो यहाँ पे भूखे की राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो यहाँ पे जो भूखे की राइट स्पेलिंग होती है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बी ओ यू क्यू यू ई टी। डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो अपने नोट्स में इसको लिखिए, स्पेलिंग जो भी मैंने आपको अब तक बताई है तीन स्पेलिंग, तो उसको लिखिए और उसको याद करिए। कई बार उसको लिख लिख के प्रयास करना और आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमसे कहता है कमिटी। कमिटी में अब इसकी राइट स्पेलिंग छाटिए क्या होगी, करेक्ट इसकी स्पेलिंग क्या होगी। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर अपना निकालिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर है, आपको छोटा सा मैं हिंट देता हूँ इसमें। इसमें तीन लेटर दो बार रिपीट होते हैं, तीन लेटर दो बार रिपीट होते हैं, ये इसका हिंट है। अगर आप देखिए डबल एन दो बार रिपीट हुआ, डबल टी दो बार रिपीट हुआ, डबल ई दो बार रिपीट हुआ, ऑप्शन ए में, मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें तीन लेटर दो बार रिपीट होते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपसे, डबल एम दो बार आया, डबल टी दो बार आया और डबल ई दो बार आया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। हमारी जो कंडीशन फुलफिल करता है वो केवल ऑप्शन ए ही फुलफिल कर रहा है। ठीक है, बाकी सब में डबल एम है तो डबल टी नहीं है या डबल ई नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसमें? फोर का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिगरेट। जो हम स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान जो करते हैं, तो वो जो सिगरेट होती है उस सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर निकालिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर एग्जैक्ट है क्या। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, सी आई जी ए आर ई डबल टी ई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट टू, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको बोलते हैं मुहावरे। कॉक एंड बल स्टोरी। देखिए कॉक एंड बल स्टोरी क्या होती है, ये एक्चुअली मनगढ़ंत कहानी होती है। अगर आप स्कूल से छुट्टी के बाद बचपन में अपने दोस्त के यहाँ बैठ गए, उसके यहाँ पे आपने गेम खेल लिया और 3-4 घंटे आप लेट घर पहुंचे और घर में किसी ने पूछा कि यहाँ पे लेट कैसे हो गया, तो तुमने कोई बहाना भी बना दिया कि रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक था या बस नहीं मिली या फिर आज एक्स्ट्रा क्लास लग गई थी, ट्यूशन है वो करनी, मतलब कोई भी बहाना मारेंगे। तो ये क्या होगी? ये बल स्टोरी होगी, मतलब कॉक एंड बल स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी जो बनती है उसे बोलते हैं कॉक एंड बल स्टोरी, मतलब मेड अप स्टोरी होती है, फॉल्स स्टोरी, या जिसका रियलिटी से कोई संबंध ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कम से कम लास्ट 15 ईयर में एसएससी के एग्जाम में 10 से 12 बार इडियम्स के रूप में ही पूछा गया है। ठीक है, इडियम्स की फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को रखा गया है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने इस मॉक टेस्ट में इसको रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मेडअप स्टोरी, जो स्टोरी तैयार करी जाए, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, देखिए इसका मतलब क्या होता है? आखिरी सांस तक कोई काम करना। देखिए कुछ लोग होते हैं कि आखिरी सांस तक लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, अगर वो रिटायर्ड हो भी जाते हैं उसके बाद में भी कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस, का मतलब होता है आखिरी सांस तक काम करना। देखिए अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग पता है एडियम्स का, तो आप इजीली ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया, मैं आपसे पूछूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप
टिक लगाएंगे बहुत जल्दी, टू वर्क टिल डेथ, अंतिम समय तक क्या है कार्य करना, टू डाई इन हार्नेस का राइट आंसर क्या है ए, टू वर्क इन टिल डेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, गिव इन, देखिए गिव इन का मतलब होता है तुम्हारा, ये सेकंड फॉर्म एक्चुअली, ठीक है, गिव इन बोलते हैं इसको, कभी कभी हमको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में गिव इन देता है, तो इसका मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है, और गिव अप का मतलब क्या होता है किसी चीज को छोड़ देना बीच में से, कहते हैं इस वर्क को गिव अप मत करना, मैं गिव अप बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा इस काम से, तो गिव अप अलग है, गिव इन अलग है। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। जो सैनिक होते हैं, अगर वो टेररिस्ट होते हैं, अगर वो हमारी आर्मी के सामने आए और आर्मी वाले उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट करने ही वाले थे कि उसने अपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। गिव इन का मतलब क्या होता है, अपनी हार स्वयं मान लेना या फिर आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सरेंडर। क्वेश्चन नंबर 9, टूथ एंड नेल। देखिए टूथ एंड नेल जो इडियम्स होता है इसका जो सही जो अर्थ होता है, अगर एक छोटा बच्चा होता है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होता है, अगर उससे गुस्सा आता है क्या करता है, वो अपने नेल आपके स्किन पे चुभाता है, अपने दांत आपके स्किन पे चुभाता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी पूरी ताकत से प्रयास कर रहा है अपना गुस्सा बयां करने का, अपने गुस्से को पूरी ताकत से प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, पूरी ताकत से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए, बहुत इजी आपको हिंट मिल गया, टूथ एंड नेल। बच्चे के पास क्या होता है, टूथ और नेल ही तो होते हैं कुछ करने के लिए, अपना गुस्सा प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, तो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, राइट आंसर क्या होगा इसका, ए विद ऑल इट्स पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, तो इसका जो एबीसीडी चार ऑप्शन दिए हैं, टू बी हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, टू बी एंजियस का मतलब होता है एंजाइटी मतलब चिंतित होना, टू बी इल का मतलब होता है बीमार होना, टू बी फीलिंग कोल्ड मतलब ठंड लगना, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा इल, बीमार होना, अंडर द वेदर मतलब वो मौसम के क्या है, नीचे है अंदर है, तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, टू बी इल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम कहता है हमसे एग्लियोफोबिया। देखिए फोबिया का जो मतलब होता है वो होता है डर, ठीक है, फियर ऑफ हाइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फियर ऑफ क्लोज स्पेसिस, सी है फियर ऑफ पेन, या डी फियर ऑफ वाटर, ठीक है, फियर ऑफ वाटर जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब किसी चीज से मतलब पानी से उसको डर डर लगना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना, जैसे एग्जांपल होता है कुछ लोग जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनके लिए बोलते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, अब उनके अंदर एक जो एक स्टोरी होती है, एक डर उनके अंदर पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्शन लगेगा, सीरीज बॉडी में चुभेगी, दर्द होगा बहुत ज़्यादा, तो ये जो डर होता है ना, कोई चीज़ घटी नहीं है उससे पहले पेन काफी दर्द हो रहा है उसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सी, फियर ऑफ पेन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डंकीज ईयर, डंकीज ईयर, देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर इसकी मीनिंग को प्रिडिक्ट करें, अगर हम पहले ही हम लोग अंदाजा लगाएं तो इसका सही आंसर हम नहीं दे सकते, आपको इसका आंसर देने में बहुत कठिनाई होगी, आप एक काम करिए इसका डायरेक्ट आप आंसर याद कर लीजिए, ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, ए वेरी लॉन्ग टाइम, ऑप्शन सी, गधों वाले साल कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, कटते ही नहीं है, ठीक है, भी गधों वाली जिंदगी जी रहे हैं हम, तो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, तो मतलब क्या हो रहा है, जिंदगी बहुत लंबी चल रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है उसमें, तो डंकी ऐसी ईयर हो गए, डंकी ऐसी लाइफ हो गई उनकी, तो इसको आप इससे याद कर सकते हैं, ए वेरी लॉन्ग टाइम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशंस ऑफ स्टार, काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, वीडियो को पॉज करिए, अपना राइट आंसर दीजिए।
देखिए इसका जो होता है वार्षिक कैलेंडर, जिसमें नक्षत्र की पोजीशंस भी साथ में दी गई हो, ऐसा कैलेंडर जिसकी नक्षत्र की मतलब राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, शनि की साया चल रही है, मंगल हम पे काफी बेनिफिट में है, तो ये सब जो हमारे नक्षत्र हैं उसकी भी जानकारी किस कैलेंडर में मिलती है, उस कैलेंडर को क्या कहते हैं, ठीक है। उसका ये नाम पूछा है, इसको बोलते हैं ऑल्मनक। ऑल्मनक मतलब बी हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं हिंदी में पंचांग। जब भी नया साल आता है तो घर में क्या आता है, मैं कैलेंडर लेके आ जाइए पंचांग वाला, यही कहते हैं ना। बाकी जो प्राइवेट कंपनी के कैलेंडर फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन पंचांग कैलेंडर का मतलब ये होता है कि उसमें सभी फेस्टिवल होते हैं, नक्षत्र की पूरी जानकारी होती है, हर एक दिन पे एक एक राशि की डिटेल दी होती है कि वृष राशि में ये होगा, कन्या में ये होगा, मिथुन में ये होगा, तो वहाँ पे डेट वाइज हमको क्या होती है राशि भी मिलती है, तो पंचांग बोलते हैं इसको। ऑल मनक का मतलब क्या होता है, पंचांग। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं पार्ट टू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो दोनों हाथों से इजली काम कर सकता हो, ठीक है, जो इजली तरीके से, आप उससे बोलोगे राइट से लिखना है, हाँ जी राइट से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखना है, हाँ जी लेफ्ट से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाओ जी लिख रहा हूँ, जो जो दोनों हाथों का एक साथ काम कर सकता है अपने हाथ से, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका, ठीक है। ऑप्शन ए है एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है मनमौजी, ठीक है, जो अनस्टेबल हो, कभी आज उसने कोई काम कर लिया, कल कोई काम कर लिया। बी, बी में आपका है एम्बी डेक्स्टर, ठीक है। एम्बी डेक्स्टर का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी है, जो दोनों हाथों का यूज कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी में है एमबीबीएस, इसको बोलते हैं जल थल चर, जो जल में भी चल सके और थल में भी चल सके, मतलब जो दोनों तरफ रहता है, जैसे मगरमच्छ जल में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो दोनों तरफ चल सकते हैं, बट यहाँ पे वो पूछ रहा है वह वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, तो यहाँ व्यक्ति की बात कर रहा है, तो व्यक्ति का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, नंबर दे रहे होंगे और नेगेटिव मार्किंग में आप, ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर भेजेंगे कि आपका राइट आंसर क्या था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहता है ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है, एंड डिसऑर्डर इन ए स्टेट, जिस स्टेट में पूरा क्या हो डिसऑर्डर हो, जहाँ पे कोई कानून को नहीं मानता हो, जहाँ पे कानून की कोई कदर ना हो, तो इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ए जो है वो है डिस्टरबेंस, इसका मतलब जो होता है वो होता है हंगामा, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, हंगामा। अनार्की का मतलब क्या होता है, अनार्की का मतलब होता है, इसका मतलब भी हंगामा होता है, बट यहाँ पर वो स्टेट की बात कर रहा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग पूछ रहा है क्या होता है, तो हमको जो राइट आंसर दे रहा है वो दे रहा है अनार्की। अनार्की इज द राइट आंसर ऑफ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर इन ए स्टेट, डिसऑर्डर जिस स्टेट में डिसऑर्डर हो, काफी नॉइज हो, हर तरफ कुप्रबंध हो, मतलब कोई मैनेजमेंट ही ना हो, जहाँ पे जिसका जो मर्जी मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, दिन दहाड़े लूट पाट बढ़ती जा रही है, तो ये होता है अनार्की। देखिए जो कियास का मतलब होता है, कियास का मतलब कोलाहल होता है, और आपका एमालगमेशंस का मतलब होता है, एमालगमेशंस का मतलब होता है मिश्रण, ये हम मैथ में पढ़ते हैं कि हाँ भाई दूध में इतना पानी था, पानी में इतना दूध था, तो ये वहाँ वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग डी का मीनिंग मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट फोर की ओर। देखिए पार्ट फोर में हमसे कुछ इस तरह से बोलेगा, सेंटेंस को हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है, एक सेंटेंस देगा, अगर हमको इम्प्रूव करना है यहाँ पर तो उसकी जगह पर क्या स्थान लगेगा, तो वो हमको बताना है यहाँ पर। डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क
इज अनेबल टू सक्सीड। यहाँ जो डिस्पाइट है ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं कभी भी, ये आप याद रखना। डिस्पाइट के साथ कभी भी पहली बात तो ऑफ नहीं लगेगा, सिंपल डिस्पाइट आएगा, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। डिस्पाइट में एक्चुअली पहले से ही ऑफ लगा होता है। डिस्पाइट का मतलब होता है विरोध करना, क्रोध या घृणा करना किसी के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हैड आई बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव टेकन द राइट मूव, ठीक है। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैंने सही डिसीजन लिया होता, इसका सही मीनिंग क्या है हिंदी में, ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज बिल्कुल फिट है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहता है यहाँ पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली आर फार मोर सुपीरियर टू भोपाल, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली आर फार, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। यहाँ हमें दिल्ली के कोचिंग की भोपाल से तुलना कर रहे हैं, यहाँ क्या करनी है हमको, तुलना कर रही है। तो तुलना ये सेंटेंस में जो कर रहा है, दिल्ली के कोचिंग की भोपाल के कोचिंग सेंटर से तुलना कर रहा है, जबकि तुलना हम बराबर की चीजों में करते हैं, ये सबको पता होगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, प्लुरल है, तो हम यहाँ दोज लगाएंगे, दोज, DHOSE, दोज लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, दोज ऑफ भोपाल इज द राइट आंसर। बी क्या है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोलता है, व्हेन ही केम टू मीट मी आई वाज प्लेइंग टेनिस फॉर 3 आवर। यहाँ टाइम दिया है, सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया, टाइम दिया है, ठीक है, और इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ केम है, केम जो क्या है, पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है हमको कि केम क्या है, पास्ट टेंस है। हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों हम लगाते हैं हैड प्लस बीन। तो हैड और बीन कहाँ पे लगा हुआ हैड और बीन लगा हुआ है ऑप्शंस बी में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, नंबर दे रहे होंगे, उस मॉक टेस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसमें जो भी रूल इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसे आता है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करते हैं, राइट आंसर निकालते हैं, मेरे आंसर से मैच करते हैं, अगर आपका आंसर राइट आता है तो रियल में आपका इंग्लिश के रूल्स काफी स्ट्रांग है बच्चों। जिसको नहीं आता वो इस रूल को लिखिएगा जरूर ध्यान से। देखिएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डू नॉट लाइक फिजिक्स डोंट दे, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग टैग में जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटमेंट और सेकंड जो पार्ट होता है वो क्वेश्चन टैग से बना होता है। अगर स्टेटमेंट नॉट से यूज हो, मतलब नेगेटिव सेंस देती हो, तो टैग हमेशा पॉजिटिव या अफर्मेटिव में होगा, ठीक है। पहला रूल तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इसमें जो यूज होगा वो होगा बी ऑप्शंस, डू दे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, डू दे होगा। देखिए इसने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में नॉट दिया, नेगेटिव सेंस दिया, तो इसमें टैग जो डोंट दे जो टैग बना रखा है, इसमें नेगेटिव नहीं होगा, केवल सिंपल होगा डू दे,
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 20 का, बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 21 की ओर। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का जो मतलब होता है वो हमसे इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसका सेम मीनिंग पूछ रहा है, सेम अल्टरनेट पूछ रहा है हमसे क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। ऑप्शंस ए डेथ, डेथ का जो मीनिंग होता है वो होता है कमिंग। एक्मे का मतलब होता है सर्वोच्च बिंदु। ठीक है, सी का जो है, सी का होता है इंक्लिनेशंस का मतलब होता है झुकाव, और कॉन्डमनेशंस का मतलब होता है आलोचना करना। कॉन्डमनेशंस का मतलब होता है बुराई करना, किसी की निंदा करना। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सेम मीनिंग निकालना हमको, इसका भी सेम अर्थ क्या होगा, सब टेज, सबोटेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज को कमजोर करना, बर्बाद करना। ठीक है, ऑप्शंस ए जो है वो है कंस्ट्रक्ट करना, मतलब बनाना, ये इसका मीनिंग नहीं हो सकता। बी ऑप्शंस है रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, अपनी गलती को मानना। ठीक है, सी जो होता है, सी का जो मीनिंग होता है इन कैपेसिटेट। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को वीक करना, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, डी का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉइजी। ठीक है, पैंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइजी। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 23, 23 है साइट, सी आई टी साइट बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, जैसे कोई कोटेशंस होती है ना, कोटेशंस, किसी ने कहा तो हम क्या करते हैं, कोट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कोट, कहते हैं ना उससे कोटेशंस काफ़ी अच्छी लगी थी, उसने जो बात कही थी एक कोट थी वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कोट। विजिट का मतलब विजिट होता है, स्कैटर का मतलब किसी चीज़ को बिखराना या फैलाना होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अबेट। अबेट का मतलब होता है हेल्प करना, किसी चीज को सपोर्ट करना। एक होता है ए बी ए टी ई, तो उसको इससे रिलेट मत करना, ये ए बी ई टी है, इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी की सहायता करना। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में दिया है इसका कॉन्फिस्केट, इसका मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। ठीक है, किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी चीज को अपना बना लेना जबरदस्ती इलीगल तरीके से। बी कॉन्डेमन का मतलब होता है बुराई करना, डिले का मतलब किसी चीज को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। डी का मतलब होता है सपोर्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी। 25 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, ये इस वीडियो का, इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, रेड ड्रेस। ठीक है ना, रेड ड्रेस का मतलब होता है तुम्हारा रेक्टिफाई करना, किसी चीज को करेक्ट करना। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, सैंड, पुट इन, पुट राइट या कॉम्प्लिकेट। देखिए, कॉम्प्लिकेट का तो मतलब होगा जटिल कर देना, किसी चीज को बिगाड़ देना। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, पुट राइट। करेक्ट का मतलब क्या होता है, राइट करना, किसी चीज को ठीक करना, तो इसका जो ये राइट आंसर होगा वो होगा सी, मतलब उसको राइट कर देना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसी के साथ हमारे इस मॉक टेस्ट के 25 के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर बनता है, जो भी फाइनल स्कोर बनेगा आपका, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आपका स्कोर कार्ड आपके सामने है, आपके जो भी नंबर आ रहे हैं, अगर 18 to 25 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 18 से 25 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपके नंबर हैं सही, तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, हाई चांसेस हैं आपके सिलेक्शंस के। ठीक है, 16 to 18 है तो एक्सीलेंस है, वेरी गुड चांसेस। 15 to 18 में है आपका वेरी गुड, गुड बट प्रैक्टिस, सही तो है लेकिन प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। 10 to 15 में आपका बिलो एवरेज, प्रैक्टिस हार्ड करिए। अगर 10 नंबर से कम है आपके नंबर तो काफ़ी कंडीशन काफ़ी पुअर है। लर्न कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस हार्ड रेगुलर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक मॉक टेस्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा।
अगर ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर मुझको ज़रूर भेजना, मैं वेट करूँगा आपके मार्क्स का कि आपके कितने नंबर आए। और इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक भेजने का पूरा प्रयास करिए, क्लिक करिए, उनको भेजिए ये मॉक टेस्ट। उनको ही भेजना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन्हीं फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। किसी सीए वाले को, किसी मेडिकल का कोई फ्रेंड आपको तैयारी कर रहा है, मेडिकल की एमबीबीएस की कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो इतना यूजफुल नहीं है जितना ये आपके लिए है, ठीक है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन दिए थे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इस पर मैक्सिमम फोकस करना। वोकैब में अगर आप वीक हैं, वोकैब से आपको डर लगता है, याद नहीं होती है, तो एक प्लेलिस्ट है इस चैनल के अंदर राजेश्वरी पब्लिकेशंस के नाम से, तो उस पर जाइए, उसमें काफ़ी सारी वॉकऐप है। वॉकऐप को हमने निमोनिक मेथड के द्वारा याद करा है। निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है बच्चों, हम जिसमें एक एक वर्ड को रियल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ देते हैं और उसको याद करने का प्रयास करते हैं। फॉरेन कंट्री में इस मेथड को काफ़ी बार यूज़ करा गया, बल्कि इसको एडॉप्ट कर लिया गया है, अपना लिया गया है वहाँ के एकेडमिक कोर्स में। वहाँ पर कोई भी वॉकऐप याद करी जाती है तो निमोनिक मेथड के द्वारा ही याद करी जाती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी उस वीडियो को देखेंगे, उस प्लेलिस्ट को देखेंगे और वोकैब याद करने का प्रयास करेंगे। उसमें जो भी वोकैब है वो आपके एमटीएस, एलडीसी और सीजीएल, एसएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी एग्जाम हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस का, उन सभी वर्डों का उस बुक में कलेक्शंस है, वो समझाया गया आपको, आप देखिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। उन्नति कॉम्पिटिशन्स क्लासेस की पूरी टीम की ओर से आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्द एक नई मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।